बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए तुलसी माता की जय। तो आइए आज तुलसी विवाह विधि प्रारंभ करते हैं। दोहा, शिवांगिरी शंकर सुवन शंभु शुक्र मुनि व्यास, तुलसी माता सुमरक लिखे वाक्य कुछ दास। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे, हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, कृपया कर वर्णन कीजिए। ऋषिवरों के वाक्य सुनकर आनंद में मग्न होते हुए सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसीलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना या भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में या अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो, निमंत्रित करें, बुलावें और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ऋत्विजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करें और तत्पश्चात सुवर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजा सामग्री से पूजा करता हुआ चांदी की तुलसी को उनका समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणि ग्रहण कराने के पश्चात विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सहपत्नी, यजमान भाई, बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्विजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान करें। उस समय स्त्रियों के मंगल गान के सहित भेरी आदि बजावें। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के पश्चात यजमान को गोदान और शैयादान करना चाहिए और ऋत्विजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज भी कराना चाहिए। इतनी कथा सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सत्व शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी जी समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल की विवाह विधि भी समझना चाहिए। धन्यवाद। तो इस तरह आज हमने तुलसी विवाह की विधि को समझा। तो राधे राधे।